शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में मुलाकात। पीपल्स पार्टी और एएनपी की पीडीएम में वापसी पर मुशावरत। मौलाना ने शिकवा किया कि पीपल्स पार्टी और एएनपी के रवैये पर सब नाला हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 29 मई को पीडीएम का सरबराही इजलास बुला लिया गया। इजलास में पीपल्स पार्टी और एएनपी को नहीं बुलाया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौकफ को आर्टिकुलेट किया जो पीएमएलएन का मौकफ है, जो मेरा मौकफ है और जो पीडीएम का मौकफ है। और वो हमने जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया। शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग का मौकफ पेश किया। पीपल्स पार्टी की तरफ से शो कॉज नोटिस का अभी तक जवाब नहीं आया। मरियम नवाज कहती हैं, हमारी और पीडीएम के मौकफ में कोई तब्दीली नहीं आई। शहबाज शरीफ का डिनर पीडीएम की तरफ से नहीं था। शहबाज शरीफ जहां हो वहां हर जगह मेरी मौजूदगी जरूरी भी नहीं। पीडीएम कोई रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी नहीं है जो उसका इत्मीनान भी तोड़े और बाहर निकल जाए और फिर आपको तकलीफ हो तो वापस अंदर आने की कोशिश करें। दरवाजे बंद हैं, वो कागज जो फाड़े थे उनको जोड़ कर पढ़े और उसकी जो वजाहत हमने तलब की थी उसका जवाब दें। पीपल्स पार्टी को पीडीएम में वापसी की दावत नहीं दी। पीपी के लिए पीडीएम के दरवाजे बंद हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी पर सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने की धमकी दे दी। गैर रस्मी गुफ्तगु में उसूलों पर समझौता न करने का ऐलान। और कराची में नई कोरोना पाबंदियों का इतलाक। महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। आज रात 8 बजे के बाद गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद। ड्राइवर सिर्फ एक शख्स के साथ इमरजेंसी में सफर कर सकता है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर सर्विस पर पाबंदी बरकरार। होम डिलीवरी और टेक अवे की रात 12 बजे तक इजाजत। तकरीबात में 10 से ज्यादा अफराद को मदऊ नहीं किया जाएगा।